हे hey एवरीबडी मैं हूं तरुण कपूर वेलकम बैक टू माय चैनल एज ए इम्प्रिंट्स सो हम आज स्टार्ट करेंगे हमारा मॉक टेस्ट वन फॉर टॉट्स लीगल एप्टीट्यूड फॉर ऑल द एलएलबी एल सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट लॉ ऑफ टॉट्स ए इट इज़ अ सिविल रोंग बी इट इज क्वाडिफाइड लॉ सी डकेती इज अ सिविल रोंग अंडर लॉ ऑफ टॉट्स डी िक्विडेटेड डैमेजेस गिवन टू इंजर्ड पार्टी सो कौन सा इसमें करेक्ट स्टेटमेंट है ए इट इज सिविल रॉन्ग ये अनकोडिफाइड लो है डी किसमें आता है हमारे क्राइम्स में आता है और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दिए जाते हैं सो नेक्स्ट क्वेश्चन इंजूरिया साइन डैम नम मीन्स ए लॉस विदाउट एनी वायोलेशन ऑफ लीगल राइट बी harm without compensation c violation of legal right without causing harm d none of the above so answer is c violation of legal right without causing harm third question which of the following is not a defense in case of law of torts a private defense b statutory authority c defense of consent d none of the above आंसर इज डी नन ऑफ द अबव बिकॉज ये सभी हमारे डिफेंसेज हैं हमारे डॉट्स में क्वेश्चन फोर विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म सिग्निफाई द मीनिंग थिंग स्पीक्स फॉर इट्सैल्फ ए विस मेजर बी रेस इप्सा लोक्यूटर सी साइंटी नॉन फिट इंजूरिया डी नन ऑफ द अबव सो आंसर इज रेस इप्सा लोक्यूटर इसका मतलब होता है बेसिकली इट इज़ अ प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस की थिंग स्पीक्स फोर इट्सैल्फ क्वेश्चन फाइव हु अमंग द फॉलोइंग गेव द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सल्यूट लाइबिलिटी ए जस्टिस चंद्रशूड बी जस्टिस खन्ना सी जस्टिस भगवती डी नन ऑफ द अबव सो आंसर इज सी जस्टिस भगवती क्वेश्चन सिक्स विच अमंग द फॉलोइंग

he voluntarily waived or abandoned. a, act of god. b, plaintiff the wrongdoer. c, voluntary non-fit injuria. d, inevitable accident. so answer is voluntary not fit injuria. question 8. which one is exception under Reland's rule? Reland's rules, Reland versus fletcher's rule. so a, act of god b small mistake c private defence d inevitable accident answer is act of god question 10 which of the following circumstances in which of the following circumstances there shall be no vicarious liability a liability of principals for the tort of his agent b liability of company for torts by their servant सी लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स फॉर ईच अदर्स टॉट डी लाइबिलिटी ऑफ मास्टर्स फॉर टोर्ट्स बाई इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर ठीक है तो नो no वाई के रिस लाइबिलिटी किसके केस में नहीं होगी डी के केस में बिकॉज वो इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के लिए मास्टर लाइबल नहीं होता है टेंथ क्वेश्चन विच अमंग फॉलोइंग आर असेंशियल ऑफ डिफॉमेशन ठीक है क्योंकि इनमें से कौन से असेंशियल्स हैं डिफॉमेशन के ए वर्ड्स मस्ट बी फॉल्स एंड डिफोमेट्री बी वर्ड्स मस्ट रेफर्स टू प्लेंटिव सी वर्ड्स मस्ट बी पब्लिश्ड डी ऑल ऑफ द अबव सो आंसर इज डी ये तीनों असेंशियल्स हैं हमारे डिफोमेशन के क्वेश्चन टेन इलेवन द डेफिनेशन ऑफ टॉट इज़ कंटेन्ड इन A general clauses act 1897 B limitation act 1963 C indian contract act 1872 and D indian penal code 1860 answer is limitation act hai. question 12 ub just eb remedium legal maxim means a where, where there is a right there is a remedy b there is a no remedy without a wrong C. There is a no wrong without a remedy. D. There is a no right without a remedy. Answer is A. Where there is a right, there is a remedy. Question thirteen. Which case is associated with the concept of injuria sine damnum? A. Donoghue versus Stevenson. B. Witterbottom versus Wright. C. Hamley versus Harry. D. Ashby versus White. सो एशब वर्सेज वाइट जो है हमारा इंजूरिया साइन डेमनम से रिलेटेड है क्वेश्चन फोर्टीन लॉ ऑफ टॉट्स डज नॉट डील विद ए न्यूसेंस बी लेबल सी ट्रेसपास डी फॉर्जरी द करेक्ट आंसर इज डी फॉर्जरी इट कम्स अंडर क्राइम्स क्वेश्चन फिफ्टीन ए एग्जाम्पल इज गिवन एंड एंड वो जो एग्जाम्पल है वो किससे रिलेटेड है इन चारों में से सो ए पेडेस्ट्रियन क्रॉसेज अ रोड विदाउट लुकिंग ऑन आईदर साइड ऑफ रोड एंड वॉज हिट बाय ए ड्राइवर हु वॉज़ ड्राइविंग कार नेग्लीजेंटली ए वाइकेरियस लाइबिलिटी बी नेग्लिजेंस सी ट्रेस पास डी कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस सो so, जो एग्जाम्पल है ये कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का है बिकॉज उसकी भी गलती है कि उसने रोड को बिन दोनों तरफ बिना देखे पास आ, पार कर दिया और जो ड्राइवर है वो जो नेग्लिजेंटली ड्राइविंग कर रहा था और उसने उसको हिट कर दिया उसकी भी गलती है सो इट इज़ अ केस ऑफ कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस सो दीज आर द फिफ्टीन क्वेश्चन इन मॉक टेस्ट वन ऑफ थॉट्स एंड इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल एंड आई कैन ऑल्सो जॉइन द टेलीग्राम ग्रुप मैंशन इन द Description box and can follow us on Facebook as you imprints by Tarun Kapoor. So, thank you so much.